बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीने गिरामी, तारीख में सात ऐसी गुनाहगार औरतों का जिक्र है जो कि ना सिर्फ इंसानों की गुमराही का बाइस बनी बल्कि बास तो अम्बियाए कराम को शहीद भी करवाने में शामिल। आज हम आपको इन्हीं के बारे में इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीने गरामी, नंबर एक पर बात करेंगे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की। उर्दन और इसराइली सरहदों पर जहां आज भी नमकीन पानी की झील मौजूद है, नमक से भरी इस झील में आज जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं है। ताहम आज से हजारों साल पहले ये इंतहाई ज़रखेज इलाका था जहाँ सदूम और अमूरा नामी शहर आबाद थे। यही वो कौम थी जिस पर अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। इस कौम का गुनाह बहुत ही बड़ा था। ऐसा गुनाह इससे पहली कौमों में से किसी ने ना किया था। इस कौम के मर्द मर्दों के साथ और औरतें औरतों के साथ बदकारी करती थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जिसका नाम वायला था, वो बज़ाहर तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी लेकिन वो अंदर से काफिर थी। वो अपनी कौम का साथ देती थी। इस बीवी के लिए और क्या बदनसीबी हो सकती है कि ये औरत सारी जिंदगी एक नबी के साथ रहते हुए भी अल्लाह ताला के हुक्म की ना फरमान रही। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने आपकी बातों को मानने से इनकार कर दिया था तो अल्लाह ताला के फरिश्ते नौजवानों की सूरतों में इस बस्ती पर जाहिर हुए जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में कयाम पजीर हुए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो अपनी कौम सदूम के साथ मिली हुई थी, इसने जाकर अपनी कौम के लोगों को इन नौजवानों के बारे में खबर दी। इन लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर को चारों तरफ से घेर लिया। इस पर फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम पर आजाब लाने की खबर से आगाह किया और आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपने घर वालों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अभी रास्ते में ही थे कि इन लोगों पर अल्लाह ताला की तरफ से पत्थरों की बारिश हो गई। आप अलैहिस्सलाम की बीवी जो अपनी कौम का साथ देती थी, वो भी अपनी कौम के साथ तबाह बर्बाद हो गयी। सदूम के पहाड़ों में आज भी वायला की आबादी मौजूद है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का तस्करा कुरान पाक के अलावा बाइबल में भी आया है। नंबर दो पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी है। कौम नूह शिर्क जैसे गुनाह में मुब्तला हो चुकी थी। इस कौम के लोगों ने अपने सरदारों की बुत बनाए, इनकी इबादत और पूजा शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस कौम पर माबूस फरमाया। ये कौम इतनी जालिम और नाफरमान थी कि इस कौम के लोग आप अलैहिस्सलाम के घर दाखिल होकर आप अलैहिस्सलाम पर जुल्म करते और आप अलैहिस्सलाम को बेकारो मददगार छोड़ जाते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मजलिसों से निकाल दिया जाता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी इन काफरों के साथ मिली हुई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफरों में शरीक होकर आप अलैहिस्सलाम को दीवाना और मजनू करार देती थी। ये औरत बुतों की बड़ी तारीफें करती थी। जब कोई बंदा बुतों को छोड़ एक खुदा की तरफ माइल होता था तो ये औरत अपनी कौम में जाकर इस आदमी का नाम बताती थी जिससे इस कौम के लोग इस बंदे को मारते और पीटते थे। इस तरह से वो बंदा भी डर और खौफ के मारे फिर से बुतों की पूजा करने पर मजबूर हो जाता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ने अपने एक बेटे को भी कुफ्र में मुब्तला कर दिया था, लिहाजा आपका ये बेटा भी माँ की तरह काफरों से मिलकर आप अलैहिस्सलाम की मुहालफत करता था। अल्लाह ताला ने इस औरत की बदबख्ती कुरान पाक में बयान की है। जब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सैलाब का आजाब नाज़िल किया तो आप अलैहिस्सलाम की बीवी और नाफरमान बेटा भी अपनी कौम के साथ बर्बाद हो गए। नंबर तीन पर है दलाइला। वो औरत जिसका नाम कई सदियों से बेवफाई और दगाबाजी में बहुत ही मशहूर है, दलाइला का जिक्र कुरान पाक और बाइबल में पढ़ने को मिलता है। वाकया कुछ यूँ है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल की कौम कौमे अमालका की महकूम बन गई। तो अल्लाह ताला ने इस कौम में बहुत ही ताकतवर लड़के को पैदा किया जिसका नाम समसन था। समसन इस कदर ताकतवर था कि अकेला ही कई लोगों का मुकाबला कर लेता था।
कौम है बनी इसराइलीस की सलाहियत और बहादुरी देखते हुए समसन को अपने काजी के अहद पर फायज कर दिया था और इसकी ताकत के जरिए कौम अमालका पर फतह हासिल करने की कोशिश में लग गई। दूसरी तरफ कौम अमालका समसन की ताकत पर काबू ना पा सकी। उन्होंने अपनी कौम की एक लड़की जिसका नाम दलाइला था उसको समसन की बहादुरी और इसकी सलाहियतों का राज दरियाफ्त करने के लिए समसन के पास भेजा था। समसन इस लड़की को देखकर पागल हो गया, वो इसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया। इसने इस लड़की को अपनी सलाहियत के सब राज बता दिए। समसन ने कहा, इसकी ताकत का राज इसके लंबे बाल है। एक दिन मौका पाते ही दलाइला ने समसन के लंबे बाल काट दिए। इसी रात कौम अमालका ने भी समसन पर हमला करके इसको गिरफ्तार कर लिया। कौम अमालका समसन को गिरफ्तार करके जश्न मना रही थी तो समसन ने अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे और मेरी ताकत मुझे दोबारा लौटा दे। अल्लाह ताला ने समसन की दुआ को कबूल करते हुए इसकी तमाम ताकत वापस लौटा दी। जिस सतून के साथ समसन को बांधा गया था, समसन ने इस सतून को अपनी ताकत से गिरा दिया, जिसके नीचे आकर दलाइला और कौम अमालका के बहुत सारे लोग मौत की घाट उतर गए। नंबर 4 पर है जायज जेबल, लबनान के बादशाह की बुत परस्त बेटी। इसकी शादी कौम बनी इसराइल के बादशाह अखीब से हुई। जायज जेबल ने न सिर्फ अखीब को बुत की पूजा पर लगाया बल्कि तमाम रियासत में एक खुदा को मानने की बजाय बेशुमार बुत बना दिए ताकि लोग इन बुतों की पूजा करती हुई गुमराही से बाहर ही ना निकले। एक दिन यर्मिया अलैहिस्सलाम ने जायज जेबल और इसके शौहर से कहा कि तुम सब लोग बुत की पूजा करने की बजाय एक खुदा की इबादत किया करो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। इस जालिम औरत ने नेजे का वार करके इन्हें शहीद कर दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस कौम पर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि ये मलिका ईमान लाने की बजाय आप अलैहिस्सलाम को भी मारने के लिए तैयार हो गई। नंबर 5 पर है अतालिया, हजरत इलियास के दौर से ताल्लुक रखने वाली जायज जेबल की बेटी। ये लड़की भी अपनी माँ की तरह बहुत ही हसीन और जमील थी। ये भी काफरा थी। इसकी शादी यहूदा के बादशाह यहोराम से हुई थी। इस कौम में भी हर जगह बुतों की इबादत होने लगी थी। इस कौम पर भी वैश्य लोगों ने हमला किया। इनसे बचने के लिए यहोराम एक गार में जा छुपा जहाँ उसकी मौत वाकया हो गई। ये लोग मलका अतालिया और इसकी बेटी को पकड़ कर अपने साथ ले गए। वहाँ इन माँ बेटी को बहुत ही ज्यादा जलील करने के बाद इनको आजाद कर दिया गया। इसके बाद अतालिया ने बुतों की इबादत से तौबा करके इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन इस तब्दीली को साल भी न गुजरा था कि अतालिया फिर कुफराना कामों की तरफ लौट आई। जब अतालिया की बेटी को कत्ल कर दिया गया तो इसके बाद मलका अतालिया को ही सल्तनत यहूदा का ताज पहना दिया गया। बाद में मलका अतालिया अपने महल के बाहर अपनी ही कौम के हाथों जलील और रुस्वा होकर मर गई। अतालिया का जिक्र भी बाइबल में तफसीर के साथ मौजूद है। नंबर 6 पर है हीरो इलियास। अगर तारीख इंसानी की सबसे गुनाहगार औरत कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि ये औरत हजरत यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल की जिम्मेदार है। हीरो इलियास एक गरीब और बहुत ही हसीन और जमील औरत थी। फलस्तीन के खानदान की बहू बन गई। इब्तदा में इसकी शादी शहनशाह के दूसरे बेटे हरूर से हुई थी और इसी हरूर के घर एक लड़की पैदा हुई। ताहम जब विरासत की तकसीम के बाद जब हरूर यास ने देखा कि सबसे ज्यादा ताकत इसके भाई एंटीबास के हिस्से में आई है तो इसने भी अपने शौहर को छोड़कर एंटीबास से ही शादी कर ली। इन दोनों ने अल्लाह ताला के नबी हजरत यहया अलैहिस्सलाम जिन्हें अहले किताब यूहन्ना के नाम से पुकारते हैं लोगों को दर्स और तदरीस देते थे। हरूर यास को आपकी दीनी बातें पसंद न थी जिसकी वजह से इसने हजरत यहया अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करवा दिया। हरूर यास ने काफी बार कोशिश की कि वो अपने शौहर एंटीबास से आप अलैहिस्सलाम के कत्ल के अहकाम जारी करवाए, ताम एंटीबास ऐसा न कर सका। हरूर यास की बेटी सलोमी अब जवान हो चुकी थी। जब इसने हजरत यहया अलैहिस्सलाम की मासूमियत और नूर को देखा तो वह आप अलैहिस्सलाम पर फिदा हो गई। इसने आप अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दी लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने इसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। अब ये दोनों माँ और बेटी यहया अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गई थी। एक दिन एंटीबास के सामने सलोमी ने रक्स की। इसको सलोमी का ये रक्स बहुत ही पसंद आया। इसने सलोमी से कहा कि तुम क्या मांगना चाहती हो, मैं तुमको हाजिर कर देता हूँ। इस औरत ने जवाब दिया कि मैं चाहती हूँ कि तुम हजरत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो। बादशाह जो कि भरे हुए महफिल में सलोमी से एहद कर चुका था, इससे हजरत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद करवा दिया।
इस तरह सलोमी और इसकी माँ इस गुनाह में भी शामिल हो गई। नंबर 7 पर है उम्मे समील अबू लहब की बीवी, जिसका असल नाम उर्वा बिनते खर्ब है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अबू लहब और इसकी बीवी को इंतहाई सख्त अल्फाज में जिक्र किया है। इसकी वजह अबू लहब और इसकी बीवी का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सख्त मुशरकाना रवैया है। ये दोनों मियां बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ और अजियत पहुंचाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। रवायत के मुताबिक उम्मे समील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाया करती थी। बेशक उम्मे समील तारीख की बदबख्त तरीन औरतों में शामिल है, क्योंकि इसने नबी आखिरत समा सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार तकलीफें पहुँचाई। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।